वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक नया वीडियो जो कि है फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा। हम लोग घूमने आए हैं तो विद गाइड आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे जितना हो सके। तो चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं वीडियो शुरू। ठीक है, कुछ अकबर के धर्म गुरु का मजार। अकबर के बाद औलाद नहीं थी, तीन रानियां थी, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। अकबर का राजधानी दिल्ली के अंदर था और दिल्ली से औलाद के लिए अजमेर आए थे। अजमेर में दरगाह ना ख्वाजा गरीब नमाज मोहिद्दीन चिश्ती दरगाह है, वहां जाकर अकबर ने प्रार्थना करी, दुआएं करी, लेकिन वहां सपने को होल्ड हुआ तो औलाद धानी फतेहपुर सीकरी मिलेगा। अजमेर से चल के नंगे पैर नंगे सिर फतेहपुर सीकरी आए थे। सलीम चिश्ती साहब की दुआ से, इन्हीं के आशीर्वाद से ना हिंदू रानी जोधाबाई से ना सलीम का जन्म हुआ था। जोधाबाई राजा मोहन सिंह की बहन थी, जयपुर के रहने वाली थी। दरगाह जाते हैं लोग, चादर चढ़ाते हैं, अंदर में धागा बांधते हैं मन्नत के लिए। हर मन्नत मुरादें पूरी होती है, औलाद के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, शादी, तरक्की, एजुकेशन, घर की दुख तकलीफ, पैसा, घर की सुख शांति, धन दुर्गा, कारोबार के लिए। बाबा साहब के द्वार सारे चाहें तमन्ना पूरी होती है। बाकी इसके लेकर स्टार्ट किया ना भैया फतेहपुर सीकरी 1570 में किला स्टार्ट हुआ था। सन 1582 में बन के कम्प्लीट, 12 साल इसको बनने लगा था, 12 ईयर। 1586 में अकबर छोड़ के चले गया, पानी दिक्कत प्रॉब्लम की वजह से। अकबर ने यहाँ 16 साल राज किया था। 1605 में अकबर का ध्यान तो इंतकाल हो गया। उनका मकबरा मजार आगरा में है, सिकंदरा में अकबर का टूम बना है। और मैंने ताला लगा था, लोगों को पढ़ दिया है। ये कूलर है पत्थर के, बिना लाइट के, पूरा दीवार अंदर से खाली, एम्प्टी होलो खोखला है। जंगल है इसके पीछे, जंगल की हवा चलती है, पीछे दीवार से टकरा बाहर आती है। इस टाइप के तीन कूलर है जनाब, 1, 2, 3 कूलर। हाँ, तीनों रानी हवा खाती थी उस टाइम में, कब्रिस्तान नहीं था। अकबर के टाइम अकबर अकबर की रानी है बैठ के प्राइमरी मीटिंग प्राइमरी मुशावरा करते थे। अकबर छोड़ के गए, उसके बाद कब्र भरा। पानीपत में इब्राहिम लोधी बाबर के बीच, बाबर के बीच, हाँ, सेकंड लड़ाई से ग्रहण हुआ था बाबर और राणा संग्राम सिंह के संग। ये ग्राउंड सामने, हाँ जी, पूरा ग्रहण है, कहती है ना, बहुत पूरा जो दिख रहा है खेती होती है। ये सारा ग्रहण जो है लड़ाई के मैदान है, इस मैदान को बोलते हैं ना खानुआ का मैदान। इसी मैदान की लड़ाई को बाबर ने जीता, 1527 में विजय किया, फतेह किया बाबर को। हाँ, फतेहपुर इसका नाम धरा, सीकरी पुराना गांव। एक मीनार देख रहे ना आप लोग, जंगल में कांटे वाला, ये हाथी का, हाँ जी वाला प्रोफेसर बोलती है, अकबर के हाथी का समाधि है। अकबर का हाथी तो जमाने फैसला करता है, जजमैन हाथी, हाँ हाथी फैसला करता है जजमैन, गुनहगार को मार देता था पैर धर के। सही इंसान को हाथी कम था छोड़ने का, हाथी मर गया, जंगल में समाधि बना दिया। ये हाथी का मीनार है जी, जोधाबाई का पहले से रंग है। देखिए व्हाइट वाला लाल वाला बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप लोग सामने, हाँ। ये रानी जोधाबाई का रहने की जगह है। अकबर दबाए थे ना अपने रहने के लिए इसको बनाया। इसी महल के अंदर महारानी जोधाबाई से ना सलीम का जन्म हुआ था, अकबर के बेटे का। तो अकबर ने इसका नाम धरा रंग महल, जो कि रंग के माने कुश्ती महल माने रहने जगह। अभी लोग जाते नहीं, बाबा के खानदान परिवार के लोग जिंदा है, वो लोग रहते हैं इसी के अंदर रहते हैं। जब उनमें से जो लोग मरते हैं ना, इनका इंतकाल होता है, खबरें मजार उनके अंदर दी जाती है। बताए थे सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह, सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती रंगतलाले की दरगाह है। ख्वाजा साहब के पोते हैं, जमा मस्जिद दरगाह के अंदर जा रहे हैं। चलाइए
साहब ने अपने असली बाबा कलंगर को चलाइए वरना। जामा मस्जिद के अंदर जा रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी जामा मस्जिद दिल्ली में है, तहसील आगरा, तहसील फतेहपुर। जाली मेट रेलवे टांगा है, तहसील पतंग नगर रेलवे जाली मेट को टांगा है। ये लेन देख रहे हैं टंगा हुआ। हाँ, अकबर के टाइम में सोने का था, किंग टाइम गोल्ड। इंग्रेज लोग चोरी करके लेके निकाल के ले गए, तांबे का लगा के चले गए। अच्छा, ऐसा लेम इंडिया में दो थे, ताजमहल के अंदर फतेहपुर सीकरी में, और जिन ताज के अंदर में नियत होने का, उधर भी तांबे का, उधर में बड़ा जमा छोटा है। छोटे बड़े और तब से देखने में धरते नजर आएंगे। यहाँ बनाते लोग हाथी के अंदर हाथी बनाते हैं, के लिए हाथी के अंदर हाथी के लोग देख रहे हैं ना आप लोग। हाँ हाँ, तो जमाने के सारे हिमांत के स्नान करने के लिए अकबर का कहना तो मेरे गुरु साहब के दरगाह जाएंगे ना, लोग जहाँ आएंगे उनके स्नान करेंगे, उसके बाद दरगाह जाएंगे। और जी मैं कहते फिर बोलम दरवाजा, बोलम के माने ऊंचा है बड़ा, दरवाजा माने गेट। इस गेट का जो हाइट है, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, रोप 134 फीट का ऊंचाई है, नीचे रोप का हाइट 176 फीट है, चौड़ा 190 फीट है। बावन सीढ़ी है, बावन सीढ़ी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तला बावन सीढ़ी है। फोटोग्राफ दरवाजा तो वहीं तक कहलाएगा ना, उसको ही मानते हैं क्या? ऊपर तलक है भैया, इसका ये एंट्रेंस का गेट है, उन दरवाजे इसी को बोलते हैं। करते हैं मुरादे करते हैं, मुरादे सही होने पर मार्केट से माल लाते हैं, यहाँ लगा देते हैं। बुटला लग के पेंट को किया, पेंट बात। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें परदेश मूवी का शूटिंग हुआ है, शाहरुख खान की मूवी परदेश। वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसका पार्ट टू लाऊंगा, जिसमें पूरा महल दिखाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।